अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई विल डिस्कस फिस्कल पॉलिसी। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी के दो पहलू हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं, फिस्कल पॉलिसी इज अ ब्रॉड टर्म यूज्ड टू रेफर टू द टैक्स। फिस्कल पॉलिसी, जब किसी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? जब एक चीज की कीमत बढ़ जाना और पैसों की कीमत वैल्यू कम हो जाना। तो इसकी एग्जांपल ये है, प्रीवियस ईयर हमने एक चॉकलेट खरीदी थी 10 रुपए की, अब वो मिल रही है करंट ईयर में एक साल बाद 20 रुपए की। तो इसकी कीमत बढ़ गई है और पैसे की वैल्यू कम हो गई है। जो चीज़ की सप्लाई हो रही थी वो उतनी ही है, पहले की बराबर ही है। तो ये इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन में जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो वो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, लेकिन इस वक्त वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। जो सप्लायर है वो पहले जो चीज़ सेल कर रहा है तो उसी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाए बगैर उसकी कीमत बढ़ा देगा, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है। तो पहले की निस्बत वो ज़्यादा कीमत में वो चीज़ सेल करेगा, तो इससे इन्फ्लेशन होगी। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है की कंट्री की, तो टैक्स लगाना शुरू कर देगी। तो इससे जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, लोगों के पास पैसा कम होना शुरू हो जाएगा। लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा तो लोग चीज़ों की डिमांड है वो कम करेंगे, पहले की निस्बत कम खरीदेंगे। इससे जो सप्लाई के वक्त ज़्यादा बढ़ने से उसकी कीमत बढ़ी ही थी तो कम होना शुरू हो जाएगी, इससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। सेकेंड पहलू इज स्पेंडिंग पॉलिसीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। सेकेंड पहलू में जब गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा आ जाए तो वो क्या करती है? वो स्कूल पे खर्च करेगी, स्कूल बनाएगी, नए रोड नए बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, से आवाम को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और इसको सहूलियात भी मिलेंगी। गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा किया था वो भी खर्च हो जाएगा। तो इससे जो मुल्क की कंट्री की इकॉनमी है ना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वो कंट्रोल हो जाएगी, वो इक्वल रहेगी इससे। तो जब गवर्नमेंट पैसा ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देगी, तो मिसाल के तौर पर एक सड़क बनवानी है, उसके लिए बजरी खरीदनी है, ईंटें खरीदनी है, लेबर हायर करनी है, तो इससे डिमांड चीज़ों की ज़्यादा हो जाएगी, इससे पैसा के ज़्यादा खर्च होना शुरू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट पहले की निस्बत कम खर्च करना शुरू हो जाएगी, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी। पहले पहलू में हमने डिस्कस किया था टैक्स और दूसरे में हमने किया है स्पेंडिंग है।